हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खान सर और विपिन सर की बातचीत, दोनों दोस्त एक साथ, खान सर हॉस्पिटल एडमिट। तो आप लोगों को पता है कि खान सर हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको फीवर हो चुका है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिलहाल वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, फिलहाल थोड़ा सा स्टेबल हैं पहले से। और उनसे मिलने उनके दोस्त विपिन सर आए हैं और दोनों दोस्त दोस्त मिल के बैठ के बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं हम खान सर और विपिन सर की, और देखते हैं कि उन्होंने क्या ही बात करी है। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? अभी आप सबको पता है खान सर की तबीयत बिगड़ गई थी। और क्या हुआ था कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे और खान सर भी उसमें शामिल हुए थे, फिर उस दिन के बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो अभी पटना के एक निजी अस्पताल में एडमिट हैं। हमारी बातचीत हो रही है और आज तो उनको छोड़ दिया जाएगा हॉस्पिटल से। फिलहाल मैं तो खुद वहीं पे जा रहा हूँ। रात में भी बात हुई थी खान सर से, बता रहे कि अब बेहतर हूँ सर, पहले से ठीक हूँ, उन्होंने बताया था। रात में लगभग 12 बजे रात में भी बात हुई थी हमारी। तो अभी उनको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा, मैं खुद वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। बाकी आप सभी छात्र ज़्यादा चिंता न करें, परेशान न हो, हमेशा आपके साथ हैं। जितने भी आपके शिक्षक हैं सब लोग आपके लिए मेहनत करते हैं और आप भी आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, देश सेवा करने के लिए आप भी मेहनत में लगे हुए हैं। और बीच बीच में कई बार हो जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सबको इधर से उधर, उधर से इधर कर देता है, परेशानी आ जाती है सबके बीच। खैर, इसी बीच सब कुछ करते हुए भी अपने लिए थोड़ा सा समय भी देना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। तो सब लोग कर रहे हैं और आप भी थोड़ा लग जाइए, क्योंकि आपका भी सामने परीक्षा है। तो ये गोल्डन चांस था आपका, अभी गोल्डन टाइम कहिए, और इस टाइम में सब कुछ इधर उधर हो जाना, बिखर जाना अच्छा नहीं है। फिर भी क्या करना है, आगे की चीजों को ठीक करने की कोशिश करना है। तो चलिए फिर बाकी मिलते हैं फिर और बताते हैं। अब आपके सर भी बहुत जल्दी आपके क्लासरूम में दिखेंगे। सर, इतने बच्चों का दुआ है ना आपके साथ, इतने बच्चों, इतने गार्जियन का आप उम्मीद है। तुरंत ठीक हुई फिर अपने काम पर लगिए, चूंकि आपको सेवा करना है। इस देश के तमाम बच्चों का आप उम्मीद है जो आप इस क्षेत्र में किए हैं, ये सबको गर्व है और सब उम्मीद लगा के हैं कि सर कब स्वस्थ होकर बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, मैं सुबह से सर के साथ हूँ। सर कह रहे हैं कि सर आप बहुत देर हो गया बैठे बैठे, मैं यही कहता हूँ कि इससे ज्यादा जरूरत कब होगी हमारी आपकी। पर आप सबकी चिंता पहले भी थी, इनको आज भी है, यहाँ पर भी लेटे लेटे सिर्फ आप लोगों की बात कर रहे हैं कि बच्चों के हित में ही सब कुछ हो, अहित कुछ न हो। सर, लास्ट टाइम बच्चों को आप क्या कुछ कहेंगे? पढ़ाई करते रहे लोग, उनका हम लोग से जो होगा हम लोग करेंगे, लेकिन ये बताइए नॉर्मलाइजेशन कहीं उसे सही है नहीं? सर, अब तो सर लड़ाई लड़े हट गया बच्चों ने, अभी हट गया ना, अभी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, 25 में सोचेंगे, 25 में सोचेंगे, 25 में हम आए अब ना सोचने देंगे। अब ये से बता दे रहे कि ये सब चीजें एकदम गड़बड़। तो सर, हमेशा आवाज बुलंद की है, जहां से जहां तक बात पहुंचाने की हो पाता है सर पहुंचाते रहते हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि जल्दी ठीक हो जाए, फिर लग जाए आप लोग की सेवा में। तो जी, आप लोगों ने विपिन सर की वीडियो देखी कि उन्होंने ये कहा कि खान सर बच्चों के बारे में ही सोचें, नॉर्मलाइजेशन हटाने की बातें चल रही हैं और सरकार नॉर्मलाइजेशन को कर रही है, मतलब कुछ तो लफड़ा है नॉर्मलाइजेशन का, मेरे को इतना समझ तो नहीं आया। लेकिन बच्चों के अगेंस्ट खान सर कुछ नहीं होने देंगे, 2025 में फिर बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। तो कुछ तो ये है, और मुझे इतना देखो
टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैंने देखा नहीं है, मैं आज पक्का इसमें देखूंगी कि क्या ही सीन है नॉर्मलाइजेशन का कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड। और खान सर अभी तो नहीं, मतलब ठीक हैं, खांस रहे हैं, ग्लूकोज लगी हुई है, लेकिन जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। बच्चों की दुआ उनके साथ है, बच्चों के पेरेंट्स की दुआ उनके साथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि खान सर बीमारी रह जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप लोगों को लैब में दिखेंगे वो पढ़ाते हुए। और खान सर बहुत हिम्मत वाले हैं, और ये पहले टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्टली, इतनी मतलब बेबाकी से खड़े हुए हैं, बच्चों के लिए इतना स्टैंड ले रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने कोई टीचर को ऐसा नहीं देखा जो इतना स्टैंड ले। सबको अपनी फ़ीस से मतलब होता है, लेकिन उनको अपनी फ़ीस से नहीं, बच्चों के भविष्य से मतलब है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और बहुत सारी दुआ दे खान सर की हेल्थ को लेके कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोगों की दुआ उनको ज़रूर जल्दी जल्दी ठीक कर देगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।